द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक चर्चा में कोई चीज रहता है तो वो बुलडोजर है। मुसलमानों के घर पर अंधाधुंध बुलडोजर चलाने वाले जब बुलडोजर लेकर बीजेपी नेता के घर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? बीजेपी नेता का भड़ास निकलता है। उनका कहना होता है कि मैं तो 1985 से कार्यकर्ता हूं और अब मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे, मेरा भी घर गिराया जाएगा। यहां तो पहले से तय है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी ही है तो सबके घर हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरीके से अंधाधुंध कार्रवाई चल रही है उसके जद में एक बीजेपी अंधभक्त कार्यकर्ता का घर जब पहुंचा तो उनकी आंखें खुल गई। इससे पहले भी एक बीजेपी नेता ऐसी बुलडोजर जस्टिस के चपेट में आए थे, उनका भी घर गिरा दिया गया था। वो भी कहते थे गलती मेरी है कि मैं अंधभक्त था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। यहां जो मामला है वो बेहद दिलचस्प है। मेरे पास उस व्यक्ति का बाइट है जो यहाँ, विनोद कुमार इनका नाम है। विनोद जी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, काफी पुराने कार्यकर्ता, 52 वर्ष की उम्र है, 12 वर्ष की उम्र से बीजेपी से जुड़े हुए थे, एक एक रुपए की रसीद काटते थे। ये अब रो रो कर बता रहे हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर, भाजपा का बुलडोजर कैसे उनके कॉलोनी को, उनके घर को सीधे जमीन दोज कर चुका है, गिरा रहा है पूरे कॉलोनी को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कॉलोनी है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आधुनिकता के नाम पर ताबड़तोड़ बर्बाद किया जा रहा है। तमाम लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, सब विस्थापित हो रहे हैं। हम आपको एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जब यह कॉलोनी बनी तो उस वक्त भी सरकार सारे बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, कॉलोनी अवैध है, यह गिर जाएगी, इसे गिराना है, ये उस वक्त इन्हें क्यों नहीं समझ में आया? इनके लिए हिंदू कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, भाजपा कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं, ये अपना दर्द सुना रहे थे। जरा आप भी यहाँ सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी है? तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा, अन्य कोई जाति रहा। तो देखा आपने, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द फूट पड़ा है। आपको एक अगला क्लिप और सुनाते हैं, इसी व्यक्ति का बाइट है। वो कह रहे हैं कि मैं इतने सालों से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मुझे इनाम क्या मिल रहा है? इनाम यही मिल रहा है कि मेरा घर गिराया जा रहा है, मेरी कॉलोनी तोड़ी जा रही है। सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी 1985 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है? आज मैं 52 साल के हो गया हूँ, ठीक है? तो देखा आपने, इनका दर्द छलक पड़ा है। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि जब त्रिपाठी जी यहाँ पर सीवर लाइन डलवा रहे थे, जो नेता हैं वो डलवा रहे थे या कार्यकर्ता हैं, ये जो इस वक्त रो रहे हैं वही कह रहे थे कि जब त्रिपाठी जी सीवर लाइन डलवा रहे थे तो फिर क्यों नहीं बताए? उस वक्त उन्हें यह अवैध क्यों नहीं लगा? ये कॉलोनी आज गिराने का औचित्य क्या है? जब लोग अपना आशियाना बना लेते हैं तो उसे आप लीगलाइज क्यों नहीं कर सकते? तमाम ऐसे सवाल हैं। और यह लीगल नहीं था तो रजिस्ट्री भी कैसे हुई थी, यह भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की सियासत होती है और इस वक्त सब इंतजार करते रहते हैं कि चलो पूरे वोट ले लेंगे, बाद में घर गिरा देंगे, ये सिस्टम चल पड़ेगा। अब इनका यह कष्ट फिर सुनिए, कह देते हैं कि पहले बता देते तो कम से कम घर नहीं बनाते, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। सुनिए यहाँ पर। हमारा नाम विनोद सोनी है और मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ। अच्छा। 2000 से मेरे पास लीगल सारे कागजात हैं
यहाँ आज जो माहौल बना है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बीजेपी ही है, क्योंकि जो नगर आयुक्त हम लोगों ने वोट दिया था। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि इस समय जो बीसी है मणि त्रिपाठी जी, हाँ, उनके कार्यकाल में यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ। ओके, ठीक। उस समय अगर ये कह देते सबसे कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी, तो ये आज दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। तो देखा आपने किस तरीके से इस व्यक्ति का, यह भाजपा नेता अंधभक्त हुआ करता था, आज इनकी आंखें खुली हैं, इन्हें पता चला है कि बीजेपी कैसे कैसे षड्यंत्र करती है, अपने नेता कार्यकर्ता को भी नहीं बख्श रही है। और ये वही अंधभक्त हैं जो मुसलमानों का घर गिरता है तो व्हाट्सएप के मैसेज खूब शेयर करते हैं कि कैसे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला तो इसका आनंद लिया जाए, प्रफुल्लित होते थे, खुश होते थे। आज जब खुद इनका घर जद में आया है तो फिर इनका दर्द भी उसी तेजी से छलका है। हालात ये हैं कि वहां पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, सिर्फ बीजेपी अंधभक्त ही नहीं और कई लोग हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यह अवैध था, यह लीगल नहीं था, तो भैया आपने इसकी रजिस्ट्री करने की अनुमति कैसे दी और रजिस्ट्रार ने अनुमति ये रजिस्ट्री की कैसे, कैसे सब कुछ संभव हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सरकार का बस एक ही मकसद है, अपना काम निकल जाए, जाकर घर गिराओ, देखेंगे इसे चमका देंगे, इसे बहुत बड़ा कर देंगे। वैसे भी यूपी में लैंड स्कैम कितना बड़ा अयोध्या में हुआ आपको पता है, यहाँ औने पौने दाम पर जमीन खरीद कर मंदिर ट्रस्ट को महंगे दाम पर बेच दिया गया, तो यह खेल खूब चलता है। अब ये वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जिनके साथ यह घटना घटित हो रही है वो क्या कह रहे हैं, जरा सा वो आखिर वाले वीडियो क्लिप में आप सुनिएगा। आपने किस सिस्टम के आधार पर रजिस्ट्री करी? आपने किस सिस्टम के आधार पर रजिस्ट्री करी? आप अपने सिस्टम को जानिए, आप किसी पब्लिक को नहीं परेशान कर सकते हैं। ये बलात् हमने आपसे जबरदस्ती नहीं छीना था, हमने जबरदस्ती नहीं छीना। तो देख लिया आपने, इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है अंसार इमरान एस आर ने, उन्होंने भी इस अंधभक्त की दशा पर तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह चाचा जिनका नाम विनोद है, भाजपा के 1985 से कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, वही वाले कार्यकर्ता जो सुबह सुबह व्हाट्सएप में हिंदू खतरे में है, मुल्लों को टाइट करना है वाला मैसेज प्रचारित और प्रसारित करते थे। आज जब भाजपा का अहंकारी बुलडोजर उनके घर की तरफ पलटा है तो महोदय न्याय अन्याय, विकास अवैध कॉलोनी, सौहार्द सबके सब ज्ञानी बन गए। अब यह चाहते हैं कि उनकी तकलीफ में पूरी दुनिया इनका साथ दे, मगर जब यही बुलडोजर का सितम मुसलमानों के घरों पर चलता है तो इनके जैसे चेचा ही खूब जश्न मनाते हैं। याद रखो, नफरत आज नहीं तो कल एक दिन सबको अपनी चपेट में ले ही लेती है। इसको उत्तर भारत की जनता जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा रहेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर बुलडोजर चलता रहे तो आए दिन हर कॉलोनी को टारगेट किया जाएगा जो 20 साल से 30 साल से बने पड़े हैं, 40 साल से बने पड़े हैं, और अचानक से तमाम लोगों को बेघर कर दिया जाता है, यह गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।